बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल। आज हमारी किचन में बनेगी चिकन कढ़ाई। जिनके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो बताएंगी आयशा वही। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें ज़रूरत है चिकन 1 kg, जिसे हमने धो के रख लिया है। सुर्ख मिर्च 2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटा ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, धनिया गार्निशिंग के लिए, अदरक गार्निशिंग के लिए, ऑयल 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, टमाटर 5 अदद, दही 1 प्याली और पानी 1.5 कप। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को 2 से 3 सेकंड के लिए गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें चिकन डालेंगे। मिक्स करेंगे सही से। अब इसको ढक देंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ना कवर कर देंगे ताकि अदरक और लहसुन सही से फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। फिर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे।
और साथ ही इसमें 1.5 कप पानी का ऐड करेंगे। इसको कवर कर दिया है, अब 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि गोर से ही से गल जाए टमाटर भी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस कवर हटा के हटाएंगे। ये देखिए गोश्त भी हमारा गल चुका है और टमाटर भी। बिस्मिल्लाह, अब हम इसके छिलके उतारेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, सारे इसके अच्छी तरह छिलके खुद ब खुद ही गो। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, ये देखिए छिलके इसके खुद ब खुद उतर रहे हैं। 10 मिनट हमने इसे गलने के लिए रख दिया था, सारे ऐसे एक एक करके इसके छिलके उतारे। ये छिलके सारे उतार लिए, अब हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे टमाटर को। थोड़ा सा फ्लेम इसका हम तेज़ करेंगे ताकि पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें पानी हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें अपने तमाम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले सुर्ख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम मसाला, काली मिर्च, कुटा हुआ सूखा धनिया, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भूख लगी है आप लोगों को? मामा, जी भूख लगी है। बस हमारी चिकन कढ़ाई भी तैयार होने वाली है, फिर आपको देते हैं। ये देखें सब मिक्स हो चुका है अच्छी तरह, और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे बीट कर लिया, बिस्मिल्लाह। हम इसे बस 5 से 6 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर हम बिल्कुल हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते चलो। ये देखें चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है मज़े की। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। अल्लाह हाफिज़।